बीजेपी का आपको ये बता दें सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने 50 लाख मुस्लिम युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर क्या है बीजेपी की पूरी तैयारी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में आपको। मियां मुसलमान मानो खेने गुटे हम मंगलवार को असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के इस बयान पर सियासी तूफान मच गया। कांग्रेस से लेकर AIUDF ने भी हेमंता के बयान पर सवाल उठाए, लेकिन इन सब से अलग यूपी में बीजेपी मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने में लगी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 50 लाख मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का प्लान बनाया है। इसके तहत 22 लाख मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी से जोड़ा जाएगा। 1 सितंबर से 10 नवंबर तक चलने वाले सदस्यता अभियान में 5000 कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। टारगेट है कि एक सदस्य कम से कम 100 मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ेगा। सवाल है कि क्या मुस्लिम बीजेपी से जुड़ेंगे और बीजेपी की इस पहल पर क्या है उनकी सोच, पहले ये आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर मुसलमानों के प्रति पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया है, इसलिए देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाएगा। तो इन लोगों के मुसलमानों के खिलाफ जो बयान आते हैं और वो लोग इन्हें उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो इसमें इस बयानों से मुसलमानों के दिल में एक भय पैदा हुआ है। ऐसा कोई इन्होंने विश्वास नहीं पैदा किया है। सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा है और सबका साथ विकास नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि 50 लाख मुस्लिमों को जोड़ने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या? क्या वैचारिक मतभेद के बीच मुस्लिम बीजेपी को अपनाएंगे? सवाल ये भी कि अगर मुस्लिम बीजेपी से जुड़े तो उनका वोट भी बीजेपी को मिलेगा। क्या बीजेपी चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट देगी? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। जी न्यूज़।